कर दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, क्विक पॉइंट की सीरीज़ में ये पार्ट 6 है। अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप उन्हें भी देखिए, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप अगर इस वीडियो की या बाकी वीडियोस की PDF फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, जिसका नाम है इंग्लिश लिटरेचर हेल्पर्स, और उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आइडेंटिफाई द पोइट यूजली रेफर्ड टू एज द पोइट्स पोइट। इट इज एडमंड स्पेंसर, कॉल्ड बाय चार्ल्स लैम्ब। नेक्स्ट पॉइंट इज द कॉलेज नोन एज सोलोमन्स हाउस फिगर्स इन बैकन्स द न्यू अटलांटिस। इट इज बेन सालेम। रिलीजियो मेडिसी वॉज रिटन बाय सर थॉमस ब्राउन। नेक्स्ट पॉइंट इज द माइंड इज इट्स ओन प्लेस एंड इन इट्स सेल्फ कैन मेक अ हेवन ऑफ हेल अ हेल ऑफ हेवन। द अबव लाइन ओकर इन मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट बुक 1। नेक्स्ट पॉइंट इज लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स एडमिट इम्पेडिमेंट्स लव इज नॉट लव विच अल्टर्स व्हेन इच अल्ट्रेशन फाइंड्स। द अबव लाइन्स आर क्यूल्ड फ्रॉम अ सोनेट बाय शेक्सपियर, सोनेट नंबर 116। नेक्स्ट पॉइंट इज हु रोट द पोयम टू हिज को मिस्ट्रेस। इट इज बाय एंड्रू मार्वेल। हु इज द ऑथर ऑफ द पोयम हीरो एंड लियंडर। इट इज बाय क्रिस्टोफर मार्लो। नेक्स्ट पॉइंट इज हु रोट द स्पेनिश ट्रेजेडी। इट इज बाय थॉमस किट्स। इन विच प्ले डज द करेक्टर गोंडल फिगर। इट इज इन किंग लियर। नेक्स्ट पॉइंट इज द वाइफ ऑफ बाथ हर नेम इज एलिसन इज अ करेक्टर इन प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स विच इज बाय चौफ्री चौसर। नेक्स्ट पॉइंट इज मिराबेल इज अ करेक्टर हु फिगर्स इन द वे ऑफ द वर्ल्ड विच इज अ वर्क बाय विलियम कॉन्ग्रीव। पॉप्स द डांसियट सटारिज लिटरेरी टेस्ट। नेक्स्ट पॉइंट इज ब्लू स्टॉकिंग्स इज अ टर्म एसोसिएटेड विद वुमेन राइटर्स ऑफ द 18th century। नेक्स्ट पॉइंट इज हु प्रपोज टू पॉपुलराइज एंड ब्रिंग फिलोसफी टू द कॉफी हाउसेज इन द 18th century। इट इज एडिशन। नेक्स्ट पॉइंट इज ब्रोबडिनगैंग इज द लैंड ऑफ मैन ऑफ टावरिंग हाइट इन स्विफ्ट्स गुलिवर्स ट्रेवल्स। नेक्स्ट पॉइंट इज हु क्लेम टू राइट फिक्शन दैट कुड बी कॉल्ड कॉमिक एपिक इन प्रोज। हेनरी फील्डिंग जोसेफ एंड्रोज। नेक्स्ट पॉइंट इज हु इज द ऑथर ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स टू मी द मीनेस्ट फ्लावर दैट ब्लोज कैन गिव थॉट्स दैट डू ऑफन लाई टू डीप फॉर टीयर्स। इट इज बाय विलियम वर्ड्सवर्थ इन इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टैलिटी। नेक्स्ट पॉइंट इज इन बायोग्राफिया लिटरेरिया कॉलरीज डिफर्ड विथ वर्ड्सवर्थ मेनली इन हिज व्यूज ऑन लैंग्वेज एंड लैंग्वेज इन पोइट्री। अगेन आई एम रिपीटिंग दिस। इन बायोग्राफिया लिटरेरिया कॉलरीज डिफर्ड विथ वर्ड्सवर्थ मेनली इन हिज व्यूज ऑन लैंग्वेज इन पोइट्री। नेक्स्ट पॉइंट इज सैली इंटेंटेड हिज पोइट्री टू प्रोवाइड रेवोल्यूशनरी मैसेज। हु रोच एटलांटा इन कैलिडोन। इट इज बाय ए सी स्विनबर्न। द पोइटिक फॉर्म ऑफ थायरसिस और टेरसी इज आ इज पास्टोरल एलर्जी डेथ ऑन आर्थर ह्यूज क्लब बाय अर्नोल्ड मैथ्यू अर्नोल्ड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉवल विदाउट अ हीरो। इट इज अ वर्क बाय वैनिटी फेयर। इट इज अ वर्क बाय WM थैकरे एंड द वर्क इज वैनिटी फेयर। नेक्स्ट पॉइंट इज इन विच प्ले ऑफ GB शाह डज द टर्म चॉकलेट सोल्जर ओकर आर्म्स एंड द मैन। नेक्स्ट पॉइंट इज द जू स्टोरी पीटर एंड जेरी इज अ स्पेसिमैन ऑफ एब्सर्ड ड्रामा। इट इज वन एक्ट प्ले बाय एडवर्ड एल्बी। नेक्स्ट पॉइंट इज द एबी थिएटर इज एसोसिएटेड विद JM सेंज। WB यीट्स हैड यूज बाइजेंटियम एज अ सिंबल ऑफ आर्टिस्टिक परफेक्शन। इट इज बाइजेंटियम कॉन्स्टेंटाइन पॉल। नेक्स्ट पॉइंट इज नो आई एम नॉट प्रिंस हैमलेट नॉर वॉज मीन टू बी एम एन अटेंडेंट लॉर्ड।
one that will do to swell up progress. Start a scene or two. The above lines occur in Love Song of Prufrock, which is a work by T.S. Eliot. Next point is, who among the following poets saw Marxist leanings in his early poetry? It is W.H. Auden. Next point is, W.B. Yeats' love for Montgomery is reflected in No Second Troy. Next point is, the stream of consciousness techniques is an outstanding feature of Virginia Woolf. दोस्तों वीडियो में बने रहिए आप. 20 पॉइंट्स आर रिमेनिंग. अभी 20 पॉइंट्स और बचे हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज, इन विच नॉवल ऑफ डी एच लॉरेंस डज द करेक्टर मेलोर अपीयर? लेडी चैटरलीज लवर. राइट आंसर इज लेडी चैटरलीज लवर. नेक्स्ट पॉइंट इज, द पावर एंड द ग्लोरी नॉवल सेट्स इन मैक्सिको बाय ग्राहम ग्रीन. नेक्स्ट पॉइंट इज, स्टीफन लीकॉक वॉज अ ह्यूमरस एसेइस्ट. नेक्स्ट पॉइंट इज, द रेस्टोरेशन ऑफ मोनार्की टुक प्लेस इन इंग्लैंड इन 1660. नेक्स्ट पॉइंट इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉमेडीज ऑफ शेक्सपियर इज अ डार्क कॉमेडी? मेजर फॉर मेजर इज अ डार्क कॉमेडी. नेक्स्ट पॉइंट इज, द कॉन्सेप्ट ऑफ द सबलाइम, द कॉन्सेप्ट ऑफ द सबलाइम इज प्राइमरली associated with Longinus. Next point is, the metrical foot with the first syllable weak, unaccented, and the second syllable strong, accented is called iambus. Again repeating this, the metrical foot with the first syllable weak, unaccented, and the second syllable strong, accented is called iambus. Next point is, in classical mythology, the god of the underworld is known as Pluto. Jean-Paul Sartre is associated with existentialism. Next point is, CBEL stands for Cambridge Bibliography of English Literature. Next point is, Principles of Literary Criticism was written by I.A. Richards. Next point is, Objective Correlative was the term coined by T.S. Eliot. Next point is, and it was coined by Washington Allston and used by T.S. Eliot. Next point, in Hamlet and his problems. Next point is, structural approach in English language teaching is associated with Bloomfield. Next point is, one of the principal objectives of the Royal Society established in the 17th century was standardization of English language. Next point is, the English Reformation aimed at religious reform. Next point is, the Chartist movement was launched to safeguard the interest of workers. Another point is, the theme of Miltus Comus is power of chastity. Next point is, the title of Donne's poem Ecstasy is derived from Christian mysticism. Now the last point is, who among the following could be described as a beat poet? It is Allen Ginsberg. Again repeating this, who among the following could be described as a beat poet? It is Allen Ginsberg. Dosto, agar aapko video